एक्सपर्ट बनती है। गैल्वेनो मीटर को मॉडिफाई करके मीटर बनाते हैं और गैल्वेनो मीटर को ही मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर बनाते हैं। बाय गैल्वेनो मीटर मॉडिफिकेशन तो सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझना है, दोनों की सिमिलैरिटी को समझना है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों गैल्वेनोमीटर से बनते हैं और गैल्वेनोमीटर की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसी को हम कैलिब्रेट करते हैं एम्पियर मीटर के फॉर्म में और वोल्टमीटर के फॉर्म में। एम्पियर इज शॉर्ट फॉर एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर को हम क्या कहते हैं, एमीटर। अच्छा, अब एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर किस काम में आता है, ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इन ए ब्रांच ऑफ सर्किट। वोल्टमीटर टू ऑब्जर्व potential difference across two points in an electrical circuit. Connected in series ये एक सर्किट है
दिस इज रेसिस्टेंस वन, रेसिस्टेंस टू, ये दो पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, कभी ये दोनों के बीच देखना है, कभी ये दोनों के बीच देखना है. व्हाट डू वी डू? जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखना है वहां से एक एक कनेक्शन ऐसा लेंगे और इसके बीच में वोल्ट मीटर लगा. अगर इन दोनों के बीच देखना है तो यहां से लगाएंगे. तो ये जो आप देख रहे हैं मेन सर्किट है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको काटा नहीं. यहां पर हमको इसको काट कर इसके बीच में करंट फ्लो कराना, यहां एक मीटर लगाना है. तो इसमें क्या होता है, दिस इज इन सीरीज, दिस इज इन पैरेलल. जिस दो पॉइंट को देखना है ये इसको वोल्ट मीटर को लगाने का तरीका, ये मीटर को लगाने का तरीका, इसको इसका रीजन भी देखिए. और आपको प्रैक्टिकल जब करने हैं तो ये लगाना भी आना चाहिए. जब आप होम फ्लो करें, कोई भी प्रैक्टिकल करें, जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखना है उन दो पॉइंट को ऐसे टच करेंगे और जहां करंट देखनी है वहां हमको काटना है और यहाँ बीच में एम्पियर मीटर लगाना है. क्यों? इसमें हम फुल करंट फ्लो चाहते हैं और इसमें हम चाहते हैं कि करंट यहाँ से जा रही है जाए, इस घर से मत जाए. ओके, तीसरा ये जब हम एम्पियर मीटर इसमें लगाएंगे द फुल करंट शुड पास थ्रू इट. फुल करंट पास थ्रू इट. नो करेंट. नो करेंट. अगर इसमें से करंट नहीं जाएगी तो ये गैल्वेनोमीटर चलेगा कैसे? ध्यान रखिए वोल्टमीटर और एमीटर दोनों बेसिकली क्या है? गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर को चलने के लिए कुछ तो करंट चाहिए, लेकिन जितनी करंट उसमें से जाएगी उतना ज्यादा हमारे रीडिंग में एरर आती जाएगी. तो एरर को कम करने के लिए आइडियल केस क्या होगा? नो करंट शुड पास थ्रू और मिनिमम करंट. अच्छा, अब देखिए इसमें सर्किट में जब हमने एम्पियर मीटर नहीं लगाया था ये इसमें कुछ करंट पास हो रही थी, सपोज 10 एम्पियर पास हो रही थी. फिर जब हमने एम्पियर मीटर लगाया तो इसका रेसिस्टेंस और इसमें आ गया एक्स्ट्रा. ये रेसिस्टेंस जब इसमें आएगा तो इसकी करंट का क्या होगा? कम हो जाएगी. तो वो 10 एम्पियर से कम हो गई, लेकिन हमको तो कौन सी करंट नापनी थी? 10 एम्पियर, जिसको नापने के लिए इसको लगाया. और इसको लगाने से इसकी करंट 9 एम्पियर हो गई. इसने हमको दिखा दिया 9 एम्पियर, इसने अपनी तरफ से करंट दिखाया 9 एम्पियर पर. हम तो 9 एम्पियर नापने नहीं निकले थे, हम 10 एम्पियर नापना चाहते थे. तो जब ऐसा हो गया तो हम क्या चाहते हैं कि ये कम मत करें. जो 10 एम्पियर ओरिजिनल जा रहा है उतना ही जाना चाहिए, पर अगर हम इसमें कुछ भी रेसिस्टेंस देते हैं तो ये कम करेगा. तो अब आइडियल केस में इसका रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मिनिमम, कम से कम, ताकि ये करंट को कम मत करे. सो एमीटर शुड हैव मिनिमम रेसिस्टेंस. An ideal and ideal ammeter has zero resistance. हाँ जी, ये नोट हो गया. अगला देखिए वोल्टमीटर. वोल्टमीटर में अगर हम चाहते हैं कि ये वोल्टेज को डिस्टर्ब ना करे, क्यों कैसे डिस्टर्ब करेगा? सुनिए, पहले मान लो इसके पास ये
रेसिस्टेंस है 10 ओम और इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर, तो वोल्टेज कितनी हुई 100 वोल्ट। ये सबको आता है रेसिस्टेंस इनटू करंट 100 वोल्ट है। अब इसको नापने के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया, जैसे ही यहाँ वोल्टमीटर लगाया ये जो करंट यहाँ से जा रही थी 10 एम्पियर उसको ये ब्रांच मिली, तो ये कुछ यहाँ गई और कुछ यहाँ चली, तो ये जो 10 एम्पियर जा रही थी उसमें से एक छोटा सा पोर्शन इधर से भी जाने लगा, मान लो बहुत कम 1 एम्पियर इसमें से गई। अगर 1 एम्पियर इसमें गई तो यहाँ कितनी बची 9 एम्पियर यहाँ से जाएगी। ओके, यहाँ से 9 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ से 1 एम्पियर जा रही है। अब अगर यहाँ से 9 एम्पियर जा रही है तो इसका वोल्टेज कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, 10 9 सा 90। तो अब इसके बीच में कितना वोल्टेज है 90, पहले कितना था 100, जब सर्किट में पहले 100 वोल्ट था तो हम उसको नापने के लिए गए, हमने वोल्ट मीटर लगाया, जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया वो 100 वोल्ट ऊपर के कितना हो गया 90 वोल्ट, और वोल्ट मीटर ने हमको रीडिंग बता दी 90 वोल्ट। इज दैट रीडिंग करेक्ट? नो, क्योंकि हम नापने किसको गए थे 100 वोल्ट को, तो 100 वोल्ट ही आना चाहिए, तो इसीलिए ये क्या किया इसने वोल्टेज को कम कर दिया। हम चाहते हैं कम मत करें, अगर कम मत करे तो उसका तरीका क्या है, यहाँ से करंट कम से कम जाए, अगर ये 10 एम्पियर जा रही है तो हम चाहते हैं यहाँ से सिर्फ 0.1 जाए, अगर 0.1 जाएगी तो बाकी इसमें से कितनी जाएगी 9.9, अगर 9.9 जाएगी तो कितना वोल्ट दिखाएगा 99, विच इज वेरी क्लोज टू 100, तो हमारी रीडिंग ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से करंट कम जाए, करंट को कम करने का तरीका क्या है, there has to be very high resistance. तो हम यहाँ क्या करते हैं, we make sure that it is very high resistance. जितना high resistance होगा उतनी उसकी रीडिंग हमको करेक्ट मिलेगी, समझ आया? तो वोल्ट मीटर की स्पेशलिटी क्या होती है, उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, it should have very high resistance. जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेसिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, कितना इंफिनिटी, तो उसकी करंट कितनी होगी जीरो, पूरी 10 एम्पियर इसमें से जाए, दैट इज आइडियल केस, नॉट ए प्रैक्टिकल केस। लेकिन आइडियल केस आपको याद रखना है, एन आइडियल वोल्ट मीटर ideal voltmeter has infinite resistance. An ideal voltmeter has infinite resistance. Or ideal emitter has zero resistance. ठीक है, ये दोनों चीजें कभी कभी वर्तमान क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। रेसिस्टेंस के बारे में, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है वोल्ट मीटर का, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और इससे उल्टा एमीटर। तो अब आप देखिए दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों को कंपेयर करने में दोनों के फीचर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। फीचर नंबर 1, 2, 3 कोई भी देखिए, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये सीरीज में लगता है और ये पैरेलल में लगता है। इसमें पूरी करंट इसके थ्रू पास होनी चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल करंट नहीं जानी चाहिए। तीसरा, इसका रेसिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए जीरो, इसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए इंफिनिट, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ओके। फिट करने का तरीका, सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा, उसका सर्किट डायग्राम वैसा बनेगा। सो दिस इज हाउ वी फिट एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर इन एन एक्सटर्नल सर्किट। अब हम ये स्टडी करेंगे कि इनके अंदर में क्या डिफरेंस होता है इनके कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया, अब इनके अंदर का कनेक्शन देखिए। एम्पियर मीटर बनाने के लिए
हम ये करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक कॉइल जिसमें से करंट फ्लो होगी और उसके ऊपर एक इंडिकेटर जो हमको रीडिंग देगा। तो ये रीडिंग देने वाला इंडिकेटर है, यहां पर स्केल लगी हुई है इस तरह से, और इसमें रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस किस चीज का? आंसर है गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेसिस्टेंस। ओके, वो रेसिस्टेंस हमने मान लिया जी, तो जी इसका रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। थोड़ी सी करंट इसमें फ्लो होती है तो ये ऐसे जाता है, यहां चला जाएगा। यहां पर हम एक मेन लगा के रखते हैं, ये जाके उसके साथ रुक जाता है, फिर करंट कम करेंगे फिर वापस आ जाएगा। ओके, दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में जैसे ही हमने करंट देनी शुरू की, जीरो से करंट इंक्रीज हुई 0.01 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। 5 मिली एम्पियर आया और ये फुल हो गया। 5 मिली एम्पियर में इसका इंडिकेटर फुल आ गया। अब ये जो 5 मिली एम्पियर है जिस पर इंडिकेटर फुल आ गया, इस करंट को हम कहेंगे फुल स्केल करंट फॉर दिस गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल करंट। ऐसी करंट जिसको देने से स्केल उसका फुल हो जाए, और इसको हम लिखते हैं आई जी। आई जी इस फुल स्केल करंट। ये जो करंट होती है इट्स ए वेरी स्मॉल करंट। उस करंट को अगर हम यहां मेजर करें तो वो कितनी, 5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर में ये पूरा स्केल कवर कर लेता है, लेकिन हमने जिस सर्किट की करंट नापनी है वो 2 एम्पियर 3 एम्पियर है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 5 मिली में ही पूरा हो जाएगा, तो बाकी की करंट को नहीं दिखा पाएगा। जैसे हमने एक छोटा सा तराजू लिया जो कि 100 ग्राम तक का होता है, बस 100 ग्राम में पूरा आ जाता है, उससे हम 2 किलो वजन नहीं नाप सकते, वैसे इसमें प्रॉब्लम होता है। और हम नापना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक क्या तरीका निकाला, हमने ये तरीका निकाला कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाया। ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत कम, अगर ये 100 ओम है तो ये हमने रखा 0.1 ओम, उससे 1000 गुना कम, 1 ओम 100 गुना कम, ऐसा करके एक छोटा रेसिस्टेंस यहां पर, लो वैल्यू रेसिस्टेंस, और इसको हम कहेंगे शंट। क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट जाएगी, इसको यहां से यहां पहुंचना है, इसके लिए दो रास्ते हैं, वन इज दिस एंड अदर इज दिस, सो विच पाथ विल इट फॉलो, द वन विच हैज लो रेसिस्टेंस, और लो रेसिस्टेंस किस में है, एस में, तो इसलिए वो किधर से जाएगा, एस से जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किस रेशियो में, एस और जी के रेशियो में, ज्यादा करंट किस में जाएगी, एस में, और थोड़ी सी करंट जी में। इस तरह से क्या होगा, हमने 2 एम्पियर करंट फ्लो कराई, 2 एम्पियर में से 5 मिली एम्पियर इसमें से गई, 1.95 इसमें से चली गई, तो 2 एम्पियर जाती है। अब सुनिए, अगर करंट 2 एम्पियर है तो इसका कांटा फुल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें आईजी कितनी जा रही है, 5 मिली एम्पियर, इसमें कितनी टोटल हमने कितनी दी, 2000 मिली एम्पियर, 2 एम्पियर 2000 मिली एम्पियर, उसमें से यहां से गई 5 मिली एम्पियर और इसमें से गई 1995 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर पास हो गए। अब अगर वो करंट हाफ हो गई, 1 एम्पियर यानी 1000 मिली एम्पियर हो गई, तो 1000 हो गई तो इसमें से भी करंट आ गई और इसमें से भी करंट आ गई, तो इसका इंडिकेटर कहां आ जाएगा, हाफ में। जब इसे का इंडिकेटर हाफ में आ जाएगा यहां, तो हम इसके ऊपर लिख लेंगे 1 एम्पियर। यहां पर हमने क्या लिखा,
टू एम्पियर, यहां क्या लिख रहा वन एम्पियर, जीरो एम्पियर। अब जब ये ऐसा टू एम्पियर पर आता है तो क्या इसमें से टू एम्पियर करंट जा रही है? आंसर है नो। कितनी जा रही है? फाइव। लेकिन हमको मालूम है कि बाकी 1995 कहां से जा रही है? यहां से। और टोटल कितनी आ रही है? 2000 मिली एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर। इसलिए हमने यहां क्या लिख दिया? 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमने 1 एम्पियर भेजा तो ये यहां आ जाएगा, 0.5 एम्पियर सिर्फ भेजा तो ये यहां आ जाएगा, 1.5 एम्पियर भेजा तो ये बाकी यहां से गई, इसके प्रोपोर्शनल यहां से गई तो ये यहां आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इंडिकेटर हमको दिख रहा है, दिस इज नाउ एमीटर, और ये एमीटर का रेंज कितना है? 2 एम्पियर, क्योंकि बाकी हम इधर से निकाल देंगे। अब मान लीजिए इसको हमको 100 एम्पियर का बनाना है, 100 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे? इसके रेशियो को फिर चेंज करेंगे, इसको इतना कम कर देंगे कि 100 एम्पियर में से 99.5 इसमें से जाए और इसमें से सिर्फ कितना जाए? 0.5 में ये फुल दिखा देता है। तो जब इसमें से 0.5 फुल जा रही है तो यहां से कितनी जा रही होगी? 99.5, और यहां से कितनी आ रही होगी? 100। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 100 एम्पियर। अगर ये करंट 100 की बजाय 50 हो गई तो ये भी आधी, ये भी आधी, तो ये आधे पे आ जाएगा, तो यहां हम क्या लिख देंगे? 50। ये हमने इसका कैलिब्रेशन कर दिया। हमको मालूम है कि जब ये कांटा यहां पर आता है तो इसमें 0.5 एम्पियर जाता है, ठीक है, लेकिन यहां से कितनी आती है? 100 एम्पियर। इसलिए इसका साइज हम यहां लिख देते हैं। इस तरह से हम निकालते इधर से हैं, लेकिन यहां पर उसको नाप लेते हैं। ये उसी तरह का है जैसे हमारे पास एक पानी का बड़ा टैंक है ये, और इसका इसमें पानी का कितना लेवल है इसको हम इसके ऊपर चढ़ के अंदर झांक के नहीं नाप सकते, मुश्किल प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक छोटा सा ग्लास का पाइप लगा देते हैं, ये ग्लास का पतला सा पाइप, और इसके साथ ये मीटर स्केल लगा देते हैं। अब जितना पानी इसमें आएगा ये यही लेवल यहां आएगा और मीटर स्केल हमको बता देते कि इतना पानी है। तो हम देखते हैं किसको है, इसको। अब यहां पर लिखा है 1000 लीटर, तो इसके अंदर तो 1000 लीटर नहीं है, इसके अंदर 1000 लीटर है, पर ये इंडिकेटर वैसे ही यहां पर भी हो गया। तो ये इंडिकेटर है, ये अपना स्केल चलाता है और उससे हमको पता लग जाता है कि फुल करंट जा रही है या कम है। तो शंट क्या काम करता है? शंट अलाउज मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इट। क्यों ऐसा करता है? सो दैट ही सेव ऑन कैलोरीमीटर। शंट के दो काम, एक तो ये कि हम इसका रेंज बढ़ा सकते हैं, दूसरा ये है कि अगर इसमें से फुल करंट गई तो वो करंट इतनी ज्यादा होगी कि ये कॉइल जल जाएगी, ये इतनी जोर से जाकर स्ट्राइक करेगा पैक से कि ये टूट जाएगा, तो ये डैमेज हो जाएगा, जल जाएगी अगर ज्यादा करंट पास होगी। तो इसलिए करंट आई तो कहां से जाएगी? शंट से। दूसरा, इनके रेशियो को हम रेशियो को फिक्स करके इसका रेंज इंक्रीज कर सकते। दीज आर द टू जॉब शंट इज डूइंग। लिख लीजिए बेनिफिट ऑफ शंट, बेनिफिट ऑफ शंट और एप्लीकेशन ऑफ शंट। नंबर वन, टू सेव कैलोरीमीटर कॉइल। measure
टर्मिनोलॉजी क्या है। करंट आई होती है और हम उसको मेजर कर सकते हैं कैलोरीमीटर से ही, क्या यूज करके, शंट यूज करके। ठीक है, तो ये शंट के दो फायदे होते हैं। और शंट का मीनिंग क्या होता है, टू बाईपास द करंट फ्रॉम ए शॉर्टकट, उसको शंट कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और दूसरा, हम जब इसको एमिटर बनाएंगे तो उस एमिटर का रेंज कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन के लिए शुरू करते हैं। हमारी रेस्ट्रिक्शन है कि हम गैल्वेनोमीटर में आईजी से ज्यादा करंट नहीं दे सकते, नॉट मोर देन आईजी, आईजी में फुल करंट हो जाएगी। ओके, मान लीजिए हमको इसको बनाना है हाई रेंज का एम्पियर मीटर, यहां आना चाहिए हाई। ओके, ये दो पॉइंट देखिए, ए और बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वी बिटवीन ए टू बी, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। आंसर है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू करंट। यहां से यहां तक रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस जी, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई जी, जब ये फुल दिखा रहा है। तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी दूसरे रास्ते से निकालिए, शंट से, यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आंसर है यहां से करंट आ रही थी आई, उसमें से यहां कितनी चली गई आई जी, तो इसमें से कितनी जा रही होगी आई माइनस आई जी, ये करंट इसमें से जा रही है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ ए से बी का, ये बी ए बी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस एस। अब ये भी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ये भी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, इसलिए ये दोनों कैसे है इक्वल, तो ये इक्वल हो गए। अब ये हमारे काम का फॉर्मूला आपको मिल गया, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी है, जी एस आई और आई जी। आई क्या है, वो करंट जो हमारी फुल रेंज करंट एम्पियर मीटर की हम बनाना चाहते हैं। अगर हम 100 रेंज का 100 एम्पियर का एमीटर बनाना चाहते हैं तो आई को कितना रखेंगे 100, और अगर 5 एम्पियर का बनाना है तो आई को 5। ओके, आई जी, आई जी जो मैक्सिमम करंट कैल्कुलेटर की होती है, दिस इज ए नोन क्वांटिटी, आई जी इज ए नोन क्वांटिटी, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस इज ए नोन क्वांटिटी। आई जितना एमीटर बनाना है उसका हम यहां पर रेंज रख देते हैं। अब इसमें क्या बचा, एस, सो वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट एस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला है इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज का। इस फॉर्मूला को हम लोग अलग अलग काम के लिए डिराइव करते हैं, जैसे एस की वैल्यू बताइए, तो एस की वैल्यू के लिए हम इसी से फॉर्मूला बना लेते हैं, एस इज इक्वल टू व्हाट, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये वैल्यू किसकी आ गई, एस की। तो ये शंट की वैल्यू का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम ये शंट की वैल्यू को आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां से हमने निकाला आई, आई इज इक्वल टू आई जी, आई जी और इंटू जी डिवाइडेड बाय, ये एस नीचे चला गया, ये आई जी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज दिस आई जी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आई। तो आई माइनस आई जी किसके बराबर होगा, आई के बराबर, जैसे इसका फुल करंट है 0.05 एम्पीयर और हमको
ये बनाना है एम्पियर मीटर 10 एम्पियर का 10। तो अब देखिए आई माइनस आई जी की वैल्यू कितनी हुई, आई इज इक्वल टू 10, आई जी इज इक्वल टू 0.05, दिस इज इक्वल टू 9.95। अब 9.95 को हम लोग अगर राउंड अप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, और ये 10 एम्पियर ही क्या था आई। तो जब आई की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम आई माइनस आई जी में से आई जी को नेग्लेक्ट करते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के नियम में ये हमने पढ़ा हुआ है किया जा सकता। ओके, तो इस तरह से ये आई की वैल्यू आई जी जी अपॉन एस, ये एस की वैल्यू, ये चीज हमको ज्यादा काम में आती है। तो ये इस वैल्यू का शंट लगाएंगे फिर इसमें फुल करंट आई जाएगी तो ये एम्पियर मीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर अपने आप में एक छोटा सा एम्पियर मीटर होता है, और एम्पियर मीटर अपने आप में एक गैल्वेनोमीटर होता है क्योंकि इसमें करंट जाती है, रिफ्लेक्शन दिखाता है। ओके, अब आगे देखिए वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किस तरह से बनाएंगे, दिस इज ए गैल्वेनोमीटर, इट हैज गॉट ए रेसिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस इज जी, ये हमको मालूम है। ओके, अब इस रेसिस्टेंस को हम बहुत हाई बनाना चाहते हैं और इससे हम कुछ वोल्टेज नापना चाहते हैं, ये इन दोनों पॉइंट के बीच हमने वोल्टेज को नापना है, एंड लेट दिस वोल्टेज बी यहां से यहां तक की वोल्टेज है वी, इस वी वोल्टेज को हमको इससे नापना है। ओके, इसके साथ यहां पर करंट कितनी होगी, आंसर है करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो यहां पर आई, इसमें से जो आई जा रहा है इसकी एक स्पेशल चीज देखिए, ये जितना आई जा रहा है पूरा का पूरा आई किसमें से जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में हम आई जी से ज्यादा करंट अलाउड नहीं कर सकते, इसलिए ये करंट दिस हैज टू बी आई जी, मैक्सिमम आई जी, इससे ऊपर करंट नहीं हो सकता, अगर करंट इसके ऊपर हो गई तो डैमेज हो जाएगा, तो ये हमको यही रखनी है। अब यहां की वोल्टेज तो कितनी है वी, लेकिन ये करंट हमारी कितनी होनी चाहिए आई जी, अगर ये करंट आई जी होनी चाहिए, ये वोल्टेज वी है, तो हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए कि यहां पर रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर हमने यहां पर रेसिस्टेंस आर लगाया, हो सकता है गैल्वेनोमीटर इतना कम रेसिस्टेंस है कि करंट को बढ़ा दे, तो हमने इसके साथ एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस लगा दिया ताकि दोनों मिलकर करंट को कंट्रोल करें। तो देखिए ये जो आई जी करंट है, आई जी दिस इज इक्वल टू वोल्टेज वी डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस आर प्लस जी, आर प्लस जी ये रेसिस्टेंस, ठीक है, ये आई जी, इसकी वैल्यू आ गई। तो इसमें हमने रेसिस्टेंस कितना लगाया, ये रिलेशन समझ आया आपको। ओके, तो इसमें हमने रेसिस्टेंस कितना लगाया, आर प्लस जी इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी, तो आर किसके बराबर हुआ, माइनस जी, इतना रेसिस्टेंस हमको सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो ये किस रेंज का वोल्टमीटर बनेगा, वी वोल्ट का वोल्टमीटर बनेगा। ये क्या चीज है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। रेंज ऑफ वोल्टमीटर ये वोल्टमीटर का होगा तो आई जी फुल हो जाएगा, आधा वोल्टेज होगा आई जी आधा हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये नोट करिए, ये इसका बेसिक फंडामेंटल्स तो होते हैं।
अब यहाँ पर इन दोनों को ऐसा जानने के बाद हम इसके थोड़े से रिमाइंडर ट्राई कर सकते हैं। तो हमको दिया गया है गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कौन से दिखा रहे हैं जी 12 ओम। इट गिव्स फुल स्केल करंट 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल करंट को क्या लिखते हैं आईजी। फुल स्केल करंट आईजी 4 मिली एम्पियर। 4 मिली क्या होता है ठीक है कितना लिखवाया था 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर दिस इज फुल स्केल करंट। ओके हाउ विल यू कन्वर्ट मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 0 टू 80 वोल्ट। वी हमको कितना चाहिए 80। ये वी आईजी और जी तीनों की वैल्यू रखिए और बताइए कितना आया। आ गया 5
5.996। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर के लॉ से, उसके नियम से इसको राउंड करें। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? कुछ भी नहीं है। तो आपको भी आंसर कैसा बनाना पड़ेगा? डेसिमल के बाद नहीं लिखना है तो इसको हमको ड्रॉप करना। अब अगर 996 को हम ड्रॉप करेंगे तो ये 5 को क्या बना देगा? 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 बस। इसलिए i-ig मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप देख लेंगे कि ये तो डेसिमल के बाद ही है और ये डेसिमल के बाद कुछ बताता ही नहीं है, इसलिए इसको हम इसको ओमिट कर देंगे। हाँ, अगर ये 0.6 होता तो फिर हम क्या करते? 6 - 0.6 = 5.4। इसको राउंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। उस समय हम क्या लिखते? 5। लेकिन हम या तो 5 लिखेंगे या 6 लिखेंगे, डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हमको क्या बताते हैं फिजिक्स में, यूज मत करिए कि 6 के बाद अनसर्टेन है। क्योंकि इसके बाद के डिजिट अनसर्टेन है, इसलिए हम अपनी तरफ से ये डिजिट नहीं बना सकते, हमको एक में ही आंसर देना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसलिए या तो आंसर 6 या आंसर 5। तो इसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, 6। तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं सीधा, 6 मल्टीप्लाइड बाय जी, जी की वैल्यू इन्होंने दी है 15। दिस इज अवर आंसर। हाँ, कितना आया? 0.01। 0.01 ओम को क्या आप मिली ओम में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 1 ओम में 1000 मिली ओम होते हैं, तो 0.01 में कितना हो जाएगा? 10 मिली ओम। खैर वो कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं 0.01 ओम, दिस इज गुड एनफ। ये ठीक है 0.01। इस तरह से आप एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के कन्वर्शन कर सकते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और वेरी किया जा सकता है, किस तरह निकालना है फिगर ऑफ मैरिट। तो कौन सी दो चीजें चाहिए?
आईजी और एंड। देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, ये क्या चीज है, ये हमको मिल गया। अब क्या चाहिए, आईजी, क्या आईजी दिया है नहीं दिया, ठीक। आईजी कैसे निकालेंगे, आईजी क्या होता है, करेंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, ये फुल डिफ्लेक्शन शोज फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कब शो कर रहा है, जब हमने कौन सी बैटरी लगाई, 3 वोल्ट, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है उस सर्किट में, 3 वोल्ट, ये एक रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और ये बताइए क्या क्या दिया है, 100 ओम रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम टू ए बैटरी थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम व्हेन ए गैल्वेनोमीटर, ओके ओके, ये है गैल्वेनोमीटर 100 ओम रेजिस्टेंस, तो 100 ओम गैल्वेनोमीटर का है, शब्दों को ठीक से पढ़ते हैं, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग फोमल स्केल एंड 100 ओम रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, ओके, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, बैटरी को कनेक्ट किया है थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, तो ये कितना है, 200 ओम, और ये है 100 ओम, और इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन करंट का नाम आईजी, तो क्या अब आप आईजी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस सर्किट से, निकालिए कितनी आएगी, 3/300 है ना, 3/300 आईजी की वैल्यू इज इक्वल टू 0.001। देखिए कितना आया, 0.001 या 0.01, ठीक है, दिस इज 0.01 एम्पीयर, ये आईजी आ गया। अब फिगर ऑफ मेरिट निकाल दीजिए, फिगर ऑफ मेरिट उसका नाम हमने रख दिया के, तो के इज इक्वल टू आईजी अपॉन एम 0.01/30, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाल दी एंड इट कम्स टू 10/1, 1/3, 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
is 3.3 into 10 to the power 1, 2, 3, 4 minus 10 to 10. Per division. Ampere per division. हमको आंसर एम्पियर में देना चाहिए, मिली एम्पियर में देना चाहिए या माइक्रो एम्पियर में देना चाहिए. तो ये माइनस फोर के बाद माइनस सिक्स क्या होता है? माइक्रो एम्पियर. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
333 इंटू 10^-6, तो ये कितना हुआ 333 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम यहां इसको रोक देते हैं, यहां रोकते हैं या यहां रोकते हैं, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार चॉइस आती है, तो चॉइस में ये आंसर भी दिया जा सकता है, ये आंसर भी दे सकते हैं, 3.3 वाला भी दे सकते हैं, और सॉरी मैंने क्या लिखना चाहिए था 333 माइक्रो एम्पियर। इसमें से कोई भी आंसर देंगे, ऑल आंसर्स आर सेम।